नमस्कार बच्चों, आज हम शाम के जहर इस कविता का पुनरावलोकन अर्थात रिवीजन करेंगे। बच्चों, शाम के जहर का वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जरूर देखा होगा, बड़ा मजेदार वीडियो था, याद है ना आपको? तो आज हम उसी कविता का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, शाम की सैर, मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगी कि कृपया करके आप इनके मात्राओं पर ध्यान न दीजिए। मतलब इसमें कुछ प्रिंट होते वक्त कुछ ऐसे गलतियां हो गई हैं कि जिसकी वजह से पूरी मात्राएं नहीं आई हैं, पर मैं इनका सही उच्चारण करूंगी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो शाम की सैर, आपको सबसे पहले शाम मैंने संध्या की सैर है। हम लोग जब घूमने के लिए निकलते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं, कई बार हम लोग जाकर घूमते हैं, देखते हैं, चलो सैर कराते हैं, बाहर कहीं बगीचे में घूम आते हैं, तो उसे सैर कहते हैं। तो शाम की सैर, तो बच्चों इस कविता में हम इसके पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता में क्या है। शाम को सैर पर निकला शेर बारिश में भीगा हो गई देर। शाम ढली और हुआ अंधेरा, कैसे जाऊं, घर दूर है मेरा। जो शेर है वो शाम की सैर पर निकला और बारिश होने लगी। अब शाम भी ढल गई, शाम यानी संध्या ढल गई और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा लगने लगा। तो शेर ने सोचा कि अब मैं घर कैसे जाऊं, मेरा घर तो दूर है। तो शाम की सैर पर निकला शेर जो है वो शाम की सैर पर निकला और एकदम से बारिश शुरू हो गई और शुरू होने के बाद उसको देर हो गई। अब संध्या का समय आ गया, शाम भी ढल गई। जब शाम ढली, संध्या ढली तो क्या हुआ, अंधेरा। और शेर ने सोचा कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। थककर वह बैठा खामोश, तभी वहां आया खरगोश। जब शेर चलते चलते बहुत थक गया तो वह क्या हो गया, खामोश बैठ गया। और तभी वहां कौन आया, वहां पर आया खरगोश। देख शेर को उड़ गए होश, गिरा धम होकर बेहोश। और जो होश है शेर को देख के उड़ गए और वह नीचे धम, बल्कि सामने पहले सुना था ना धड़ाम, उसका दूसरा शब्द क्या है, धम। धम और धड़ाम होकर वह नीचे से गिर गया और बेहोश हो गया। और देखते हैं कौन से शब्द हैं
तो आप तैयार हैं? तैयार हैं? ठीक है, मैं भी तैयार हूं। शाम किस शहर को निकला? शेर। बारिश में भीगा हो गई देर। शाम ढली और हुआ अंधेरा, कैसे जाऊं घर, दूर है मेरा। अब इसके बाद और कौन से शब्द हैं? थककर वहां बैठा खामोश। जब भी श आए आपने ताली बजानी है या चुटकी बजानी है? तो थककर हमने पहले में ताली बजाई थी, हम यहां पे चुटकी बजाते हैं, ठीक है। थककर वहां बैठा खामोश, तभी वहां देख शेर को उड़ गए होश, गिरा दम होकर बेहोश। तो बच्चों इसी तरह से आपने भी घर में जब जब श अक्षर का उच्चारण करें, जैसे मैंने एक्टिविटी की है, आपने भी घर पे यही एक्टिविटी करनी है, चाहे ताली बजाए चाहे चुटकी बजाए। आपको सीखने में भी बड़ा बहुत आनंद होगा और साथ ही आप इन अक्षरों का ध्वनि श, ताकि आपको समझ में आएगी श अक्षर कहाँ आ रहा है, श अक्षर की ध्वनि कहाँ आ रही है। तो आइए कुछ और भी श अक्षर को हम देखते हैं, कुछ और श अक्षर देखते हैं। आइए बच्चों, श से शब्द। अब यहां पे देखिए शंख। अब यहां पे जब जब ये शब्द आएंगे शंख, शंकर, शतरंज, शत्रु, शक्ल, शगुन। ये शब्द आपको पता है, मैंने पढ़ाया था जब कक्षा पहली में। शने शने जल्दी जल्दी, शने शने और शपथ श। मैं रेखांकित कर रही हूं श को, जहां जहां पे आपको श दिखाई दे रहा है, ये भी एक तरह की एक्टिविटी ही है। देखिए यहां शब्द, शब्द में भी श अक्षर है, शंका और शकी। आपने ध्वनि सुनी है श, तो बच्चों उसी प्रकार उसकी बनावट देखिए कि श को लिखते कैसा, उसकी बनावट कैसी होती है। ये देखिए यहां पे हम यहां पर लिखेंगे श, ये जो है श की बनावट है। तो आपने घर पर निरंतर इसका लिखने का, इसके बोलने का प्रयास करना है। अब आगे बच्चों आगे देखते हैं, इसमें ये देखिए आपकी कविता में श अक्षर की आवाज